वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। दीपक त्यागी हत्याकांड में परिजनों और ग्रामीणों का लगातार पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दीपक का सिर सड़क पर रखकर परिजन और ग्रामीण लगभग 24 घंटे से सड़क पर जाम लगाकर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि दीपक हत्याकांड को पुलिस ने सही से नहीं खोला। वह लगातार खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में नाकाम साबित हो रही है। दीपक त्यागी के पिता का कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि उन्हें अब पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने जिन दो आरोपियों फेमुद नट और आसिफ को जेल भेजा है, लोगों का कहना है कि फेमुद नट पहले भी अपने ऊपर झूठे आरोप लगवा कर पैसे लेकर जेल जाता रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक सही हत्यारे और घटना का सही खुलासा नहीं होगा, वह प्रदर्शन और जाम जारी रखेंगे। देखिए, पुलिस प्रशासन। एसएसपी का कहना है कि परिजनों से बात चल रही है, जल्द उन्हें संतुष्ट कर जाम खुलवाया जाएगा। मौके पर मौजूद मृतक दीपक के पिता ने यह जानकारी दी। सर, आप लोग कब से धरने पर बैठे हैं और किस वजह से बैठे हैं? हम कल शाम 4 बजे से धरने पर बैठे हैं और अपने बच्चे के न्याय के लिए बैठे हैं। उसके जो है अभी जो है असली कातिल नहीं पकड़े गए हैं और फर्जी कातिल उन्होंने लगाकर इस पर एक घिनौना अपराध, इस पर बच्चे पे हमारी आत्मा, उसकी आत्मा को शांति तो क्या देते हैं, इन्होंने उस पर घिनौना अपराध लगा कर अर्जी पे दो आदमी जेल भेजती है। आप किस तरह से मान लेंगे, पुलिस ने किस तरह से खुलासा करा है? खुलासा इन्होंने दबाव में किया है। हमने SIT का गठन की परसों मांग की थी तो इन्होंने हमें लेटर दे दिया उसका कि SIT टीम गठन हो जाएगी कल को। तो इन्होंने 4 घंटे बाद में ही रात 4 बजे सुबह के तो हमें जंगल ले गए और जी वहाँ इन्होंने एक आदमी खड़ा कर रखा जिसको इन्होंने 1 हफ्ते से पहले वहाँ बंद कर रखा। तो जब तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है 4 घंटे में, और जिस गन्ने के खेत में ये सिर बरामद हुआ है तो 1.7 इंच का कुल गड्ढा है और उसकी लंबाई चौड़ाई 1 फिट भी नहीं है। तो इन्होंने वो सिर कहीं से ला के और वहाँ रखा है। क्या सिर वो आपके बेटे का? हाँ, सिर हमारे बेटे का था। तो कैसे लग रहा है कि वो सिर के पहले कहीं और रखा गया था? पहले और कहीं रखा नहीं, और कहीं नहीं रखा गया, सुरक्षित जगह रखा गया कहीं भी, उसके कोई गलन या वो नहीं थी। यहाँ थोड़े से निशान है बस, नहीं चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी ही गर्दन काट के ये रखी गई है। अच्छा, हाँ। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हम जो एक तो जो है CBI जाँच चाहते हैं, एक NRI जाँच चाहते हैं, हमारी दो मांगे। धरना कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारी ये मांगे ना मानी जाएंगी, हमें लिखित में इनका आवश्यक नहीं दिया जाएगा और कमिश्नर साहब यहाँ ना आएंगे और योगी से हमारी बात कॉन्फ्रेंस ना कराएंगे। अधिकारियों ने आपसे बात की? अधिकारी आपसे बात हमारे बात हुई है बस जो SSP से और जी ये CO हैं, ये DMC आश्वासन दिया उन्होंने आपको, ये कि आप लिख के दीजिए और हम इसको वो बात करते हैं उनसे। तो ये जाम जारी रहेगा आपका? हाँ जी। मौके पर मौजूद मुखिया गुज्जर ने यह जानकारी दी। मुखिया जी, ये जाम किस वजह से लगा हुआ है और ये किसका सिर है, क्या मांगे आप लोग? देखो, हमारा बेटा दीपक त्यागी इस गांव का बहुत लाडला बेटा था और उसके साथ उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उससे आक्रोशित होकर के उसके विरोध में, चूँकि प्रशासनिक अमला जमला सब ढीला पड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भी हुई उस पर लीपापोती हुई, तो उससे विरोध में सभी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, गांव बस्ती के सर्व समाज के लोग यहां धरना दे रहे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं। लेकिन प्रशासन की उदासीनता और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश हुई है, इस मुद्दे से सर्व समाज जुड़ता जा रहा है। जो भी सुन रहा है सबके मन में बहुत दुख है, सभी हमारे धीरेंद्र त्यागी जी के दुख में शामिल होने के लिए आए, हम भी आए हैं, हमारा पूरा समर्थन है। ये जाम कब तक जारी रहेगा? जाम जब तक जारी रहेगा जब तक कि असली हत्यारे यानी कि इस घटना के जो असली दोषी हैं जिनको प्रशासन छुपा रहा है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ये जाम नहीं खुलेगा
और ये लड़ाई अब इसका बड़ा विराट रूप धारण करने जा रही है आज के बाद। या तो इस पर कार्रवाई हो और असली जो दोषी हत्यारे हैं वो हों, और फिर हमने अभी एक मांग पत्र बनाया है जो हमारी कमेटी ने, अभी उसको हम घोषित करेंगे यहाँ। तो इसका इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं जो बाहर से होकर चली हैं वो यहाँ भी होनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन बिल्कुल लुंज पुंज बना हुआ है। मेरठ SSP रोहित सिंह सजवान ने यह जानकारी दी। सर, एक सिरखट्टी लाश का पुलिस ने खुलासा करा था, उस खुलासे पर लगातार परिजन जो है वो सवाल उठा रहे हैं और रास्ते जाम लगाए बैठे हैं, किस तरह से उनको संतुष्ट कर पाया, क्या वार्ता हुई? ये जो मामला था इसमें पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया था, इसके बाद उनके परिजन कुछ मुआवजे या अन्य मांगों को लेके उसका जो सर है उसको लेके धरने पे बैठे हुए हैं, फ्रीजर में रखा हुआ है, और उनसे बात चल रही है और जल्दी उसका जो निपटारा वो कर दिया जाएगा। सर, जो खुलासा हुआ था, कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि जो सिर है वो बिल्कुल सही स्थिति में है और जो सिर था वो कहीं और रखा गया था, लेकिन वो पुलिस पे ये बात आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढा पुलिस ने, वो अलग चीज़ है, वो आरोप है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो उनकी अन्य मांगे हैं कि मुआवजा इत्यादि की चीज़ें, उन पर बात चल रही है और जल्दी उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा। तो अब ये जाम खुलने की स्थिति में है, क्या कह रहे हैं? अभी बात चल रही है, थोड़ी देर में उसके खुलासे के जो हत्यारे हैं उनको लेकर के वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, उसमें जो भी अगर उनकी उनकी अगर कोई भी समस्या होगी तो उसका निदान किया जाएगा, उसका जो सही मंच है उसके हिसाब से निपटान किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।